जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की, यानी शनि का जो गोचर कुंभ राशि में 29 अप्रैल को हो रहा है, जो कि 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:52 पर कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे मकर राशि से निकलकर, और ये बकरी होकर 12 जुलाई 2022 को फिर से मकर राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो 29 अप्रैल 2022 से और 11 जुलाई 2022 के बीच में कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलेंगे इस गोचर के, जो कि शनि का गोचर कुंभ राशि में होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये गोचर का राशिफल चंद्राश पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले थोड़ा शनि के बारे में जानते हैं। शनि जो है सबसे धीमे ग्रहों में से एक हैं। इनकी ग्रहचाल बहुत धीमी होती है और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष लगाते हैं शनिदेव। और ज़्यादातर लोग शनिदेव के गोचर को और शनिदेव की जो साढ़े साथी होती है या शनिदेव की जो दशा होती है उसको ज़्यादातर आमतौर पर इसकी दशा के प्रभाव में लोग उदास, दुखी और तनावपूर्ण महसूस करते हैं, ऐसा ही मानते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, इस ग्रह के परिणाम धीमे धीमे अच्छे होते हैं। हालांकि जातकों की जन्म कुंडली में शनि के स्थान पर निर्भर करता है कि अगर आपकी कुंडली में शनि किस भाव में हैं, किस स्थिति में हैं। अगर शुभ हैं, मजबूत हैं तो परिणाम अच्छे होंगे, और अगर खराब हैं तो परिणाम खराब मिलेंगे। लेकिन शनि को कर्म का ग्रह कहा जाता है, न्यायप्रिय बहुत हैं, तो ये अगर आप अच्छे कर्म अपने करते हैं तो अच्छे कर्म करने वालों को सदा ही सकारात्मक परिणाम देते हैं शनिदेव, और जो अगर आप बुरे कर्म, कोई अवैध कार्यों में शामिल होते हैं तो उनको फिर नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं। तो ये कर्म भाव के कारक भी होते हैं। शोक, कष्ट, दुर्घटनाएं और पुरानी बीमारियां भी दे सकते हैं शनिदेव, लेकिन दुख के बाद अंतिम परिणाम स्वरूप एक बहुत अच्छी बात होती है शनिदेव में, कि जो भी आपको ये परिणाम देते हैं उसमें एक अच्छी सीख और सही गलत के बीच का जो अंतर है वो आपके समझ में आ जाता है इनकी दशा में, इनकी साढ़े साथी में। तो ये चीज़ अच्छी होती है। और मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव, और ये दोनों राशियाँ शनिदेव की हैं, और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले शनि आपके तुला राशि में जो होते हैं वहाँ पर वो उच्च के होते हैं, जो कि शुक्र की राशि है। तो कुंभ राशि वालों पर शनि का गोचर का प्रभाव अप्रैल के महीने में 29 अप्रैल से जो 11 जुलाई के बीच का होगा, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, प्रथम भाव में गोचर करेंगे, और इनकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर होगी, और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी, और दशम दृष्टि दशम भाव पर होगी। और ये शनिदेव का गोचर 29 अप्रैल से 11 जुलाई 2022 तक रहेगा, उसके बाद वो फिर से मकर राशि में जाएंगे। इस समय पर आपको अपने वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलना है, अपने जीवन साथी को कोई भी धोखा नहीं देना है, उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो विवाहित जातकों के लिए वैसे ये गोचर अनुकूल रहेगा, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा और आप उनके साथ एक स्वस्थ रिश्ता कायम कर पाएंगे, और आपके व्यापार कारोबार पे भी दृष्टि होगी शनिदेव की, जो कि दशम भाव है। तो नौकरी में या व्यापार कारोबार में भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपके बॉस से, आपके सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और अपने से नीचे काम करने वालों के साथ सदैव संबंध अच्छे रखें तो शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। थोड़ा आलस्य हो सकता है इस समय पर, इस बात का थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा, लेकिन आप कड़ी मेहनत करें, इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव अगर कोई भी परिणाम देते हैं बिना कड़ी मेहनत के बिल्कुल भी नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा। और आपने अगर कोई पुराने प्रयास कर रखे हैं तो ये आपके सफल हो सकते हैं, और जो भी आपने पहले के कर्म किए हैं उनका फल आपको इस समय प्राप्त होगा। और ये शनि का गोचर वैसे आपके लिए बेहतर होगा, और जो लोग विदेशी कंपनियों में काम करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं
उनके लिए भी अच्छा होगा, पर उनके लिए 11 जुलाई के बाद और अच्छा समय आएगा। और बाकी इस समय पर शनिदेव जब कुंभ राशि में आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रणाम अच्छे देंगे, लेकिन आपके कर्मों के अनुसार ही देंगे, क्योंकि शनिदेव बिना कर्मों के प्रणाम नहीं देते हैं। तीसरे भाव पर दृष्टि रहने का मतलब है कि छोटे भाई बहनों से आप अपने संबंध अच्छे रखें और अपने मित्रों से संबंध अच्छे रखें। छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, वो यात्राओं में आपको भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है। और सप्तम भाव पर दृष्टि है तो सप्तम भाव जो है विवाह का भाव है, व्यापारिक पार्टनर का भाव है, व्यापार का भाव भी मानते हैं, तो व्यापार कारोबार में इस समय आपको तरक्की मिलेगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, क्योंकि दसम भाव पर भी दृष्टि है और सप्तम भाव पर भी दृष्टि है। कोई भी व्यापार कारोबार करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने साथियों के साथ बनाकर रखना है, किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि शनिदेव जब ही प्रसन्न रहेंगे, जब आप अपने मजदूर को खुश रखेंगे, अपने छोटे कर्मचारियों को खुश रखेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और पहले से अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं, तो उनके परिणाम इस समय पर आपको अच्छे ही मिलेंगे, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी भी हैं। तो लेकिन आपके जो व्यापारिक पार्टनर हैं या आपके जो जीवन साथी हैं, वैवाहिक पार्टनर हैं मतलब, तो उनके साथ संबंध आपको अच्छे रखने हैं, उनके साथ कोई धोखा करने की कोशिश इस समय बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रेम रखते हैं और आप अगर कहीं और भी प्रेम संबंध बनाते हैं, तो इस समय पर शनिदेव की कृपा से ये संबंध उजागर हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखकर आप चलें। और अपने जीवन साथी को इस समय बिल्कुल परेशान ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका जीवन साथी खुश नहीं रहेगा तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय हैं, कर्म फलदाता हैं, वो वैसा ही न्याय करेंगे जो आपने कर्म किया होगा। इसीलिए लोग शनि की दशा में कहते हैं कि ये दुखदायी दशा है, कष्टदायी दशा है, क्योंकि वो आपके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जैसा आपने किया है वैसे ही फल आपको प्राप्त होते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय इस समय पर करने चाहिए। हालांकि आपके राशि स्वामी हैं, उपाय की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके राशि स्वामी हैं इसलिए आपको ज़्यादातर परिणाम यहाँ पर अच्छे ही मिलने चाहिए। और अगर आपकी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपके परिणाम आपको मिलेंगे, और अगर नहीं चल रही है तो भी कुछ न कुछ प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही शनिदेव के गोचर का। उपाय की बात करें तो शनिवार वाले दिन आप शनि भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और आप शनिवार वाले दिन किसी एक गरीब व्यक्ति की भी सहायता करें तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। यानी आप किसी गरीब मजदूर को भोजन करवा दें या फिर उसको काली वस्तुओं का दान दे दें, जैसे कि आप उड़द की दाल का दान दे दें, लोहे के छोटे मोटे बर्तन का दान दे दें, तो इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और शनिवार के दिन जो काली चींटियाँ होती हैं उनको आटा और चीनी मिलाकर डालें, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें। तो मित्रों, इनमें से जो भी उपाय कर सकते हैं आप कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के शनिदेव के गोचर के क्या परिणाम मिल सकते हैं उनको, इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।